श्वेता, बहुत दिन से गोलू स्कूल नहीं आ रहा है। वो बीमार है और गांव के वैद्य जी ने कहा है कि उसको शहर के बड़े डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। अच्छा, ये बात है। मेरे पिताजी की गोलू से तबीयत खराब थी, वो शहर गए, बड़े डॉक्टर को दिखाया और वो बिल्कुल ठीक हो गए। तो क्या दीदी, शहर के अस्पतालों में जाकर मरीज जल्दी ठीक हो जाता है, आखिर शहर के अस्पतालों में ऐसा क्या है? इस बात को हम लोग बड़ी दीदी से ही पूछ लेते हैं, वो हमें अच्छी तरह से समझा भी देंगी और पढ़ा भी देंगी और वो हमें बड़ा मजा भी आएगा। हाँ। और हम लोग समझ भी लेंगे। हाँ, किस विषय में बातचीत हो रही है दीदी? अरे नमस्ते दीदी। नमस्ते बेटा, नमस्ते। बहुत बड़े हो जाओ। और बच्चों ये बताओ किस विषय में बातचीत हो रही है? दीदी, हम आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। जरूर बताओ बच्चों। शहर के अस्पतालों में जाकर मरीज जल्दी क्यों ठीक हो जाता है, आखिर शहर की दवाइयों में ऐसा क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न किया है बच्चों तुम लोगों ने। आज मैं आई थी पूरी तैयारी से, मैंने सोचा कि बच्चों को कुछ जानकारी भी दे दूं और बच्चों को इसके विषय में कुछ अच्छी बातें भी बता दूं। अच्छा तो बच्चों, आज मैं तुम्हें बहुत ही अच्छे विषय पे कुछ बातचीत बताने वाली हूं। वह है बच्चों, पहले तो सर्वप्रथम मुझे ये जानना है कि तुम लोग चाहते हो कि तुम लोग बीमार रहो? नहीं दीदी। तुम सभी चाहते हो कि तुम सभी स्वस्थ रहो और खूब काम करते रहो, खूब खेलते रहो, है ना बच्चों? जी दीदी। तो बच्चों ये है, इसके लिए जब कभी भी कोई बीमारी होती है तो तुम लोग क्या खाते हो? दवाई खाते हो और जल्दी से स्वस्थ हो जाते हो। तो बच्चों इसी तरह से जब पुराने समय में मनुष्य को बीमारी हुई, तरह तरह की बीमारियां हुई, तो क्या हुआ, उसने आविष्कार किया नई नई दवाइयों का। और बच्चों दवाइयों के साथ साथ उसने आविष्कार किया नए नए यंत्रों का। तो बच्चों अब यंत्रों के विषय में भी तुम जानना चाहोगे, है ना? जी दीदी। तो बच्चों सर्वप्रथम मैं तुम्हें बताऊंगी एक यंत्र जो हमारे शरीर के ताप का ज्ञान कराता है। तो बच्चों ये बताओ, तुम सभी ने यह यंत्र तो अवश्य ही देखा होगा। जी दीदी, मैंने इसको अस्पतालों में देखा है। अब इसके बारे में मैं तुम्हें बताऊंगी और तुमने किताबों में भी अवश्य ही देखा होगा। जी दीदी। इसे क्या कहते हैं दीप्ति? दीदी मैं बताऊं, इसे थर्मामीटर कहते हैं। बिल्कुल ठीक बच्चों, हम इसे कहते हैं थर्मामीटर, और हिंदी में हम इसे कहते हैं ताप मापी यंत्र। क्या कहते हैं बच्चों? ताप मापी यंत्र। हाँ बच्चों, अब देखो इसके विषय में मैं तुम्हें बताती हूँ। ये होती है एक पतली सी नली, यह बच्चों होती है पतली सी कांच की नली और इसमें यहाँ पर एक घुंडी बनी होती है और इसमें भरा होता है पारा। क्या होता है बच्चों? पारा। अब बच्चों तुम ये बताओ, किसी को पता है कि पारा की क्या विशेषता होती है? दीदी मैं बताऊं? हाँ दीदी, जैसे ही पारा पे गर्मी पड़ती है वो फैल जाता है। बिल्कुल सही दीप्ति, लगता है तुमने अपनी पुस्तक में अवश्य ही पढ़ा है। जी दीदी। हाँ। तो इसमें बच्चों पारा भरा होता है और पारा जब हमारे शरीर की गर्मी पाता है तो वह चढ़ करके ऊपर पहुंच जाता है और हम उसी नाप से अपने शरीर के ताप का ज्ञान देख लेते हैं। तो बच्चों पुराने समय में क्या होता था, वैद्य जी हमारी नाड़ी को छू करके हमारे बदन के शरीर के ताप का ज्ञान कर लेते थे। तो बच्चों उससे क्या होता था, सही ताप का ज्ञान भी नहीं होता था और हमारी जानकारी भी आधी रहती थी। और आज के दिन में बच्चों क्या हुआ है, थर्मामीटर से हमें पूरी तरह से जानकारी मिल जाती है, यह लाभ हुआ है। तो है ना बच्चों ये अच्छा यंत्र? जी बच्चों। तो हाँ बताओ बच्चों। दीदी इन यंत्रों के बारे में हमें विस्तार से जानकारी। हाँ बच्चों, अब मैं दूसरे यंत्र के विषय में बताना चाहती हूँ दीदी। हाँ। कुछ और भी यंत्र होते हैं? हाँ बच्चों देखो, अब मैं तुम्हें बताने ही जा रही थी, इसको हम कहते हैं स्टेथोस्कोप। दीदी इसे तो मैंने डॉक्टरों के पास देखा है। हाँ स्टेथोस्कोप तुमने अवश्य ही डॉक्टरों के पास देखा होगा, मैं तुम्हें दिखाने के लिए। अरे दीदी ये तो मेरे चाचा के पास है, वो डॉक्टर है। बिल्कुल सही दीप्ति, ये होता है स्टेथोस्कोप। अब बच्चों तुमने क्लिनिक पर भी देखा होगा, है ना? जी दीदी। और अपनी पुस्तकों में भी अवश्य देखा होगा। जी दीदी। अब बच्चों सर्वप्रथम तुम यह जानना चाहोगे इसका आविष्कार कैसे हुआ था? जी दीदी। तो देखो बड़ी ही अच्छी कहानी है, रोचक कहानी है बच्चों। एक बार फ्रांसीसी डॉक्टर 1816 में अपने अस्पताल की ओर चले जा रहे थे। उन्होंने रास्ते में देखा दो बच्चे एक लकड़ी के खोखले फट्टे से खेल रहे थे। एक बच्चा एक ओर से कुछ बोलता था और दूसरा बच्चा कुछ सुनता था। तो बच्चों उन्होंने सोचा, उनके दिमाग में युक्ति आई, उन्होंने सोचा क्यों ना हम अपने घर जाकर इसी से कोई यंत्र का आविष्कार करें। तो उन्होंने बच्चों घर जाकर अखबार को लपेटा और उन्होंने एक नली की तरह बना लिया और जाकर अपने अस्पताल में मरीजों की छाती का इलाज करने लगे। तो बच्चों ये बड़ा अच्छा यंत्र बना और आज हम इस युग में इसको स्टेथोस्कोप के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चों यह होता है स्टेथोस्कोप, जिसको ये डॉक्टर कान पे लगाते हैं और यह सीने पे और पीठ पे रख के हमारी फेफड़ों और दिल की धड़कन आदि से जुड़ी हुई बीमारियों का ज्ञान मिलता है। तो है ना बच्चों ये अच्छा यंत्र? जी दीदी। बच्चों आज ये इसी आविष्कार से संभव हुआ है। अच्छा अब बच्चों मैं तुम्हें दिखाने जा रही हूँ तीसरा यंत्र, जो कि हमारे आज के युग में अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, यह है
माइक्रोस्कोप। बहुत अच्छा बच्चों, इसके विषय में भी तुमने अवश्य ही अपने विज्ञान के विज्ञान में पढ़ा होगा। दीदी ये हमें विज्ञान की टीचर ने दिखाया था। दीदी हमने अपनी पुस्तक में भी देखा था। हाँ, इसको कहते हैं माइक्रोस्कोप, और बच्चों इसको हिंदी में कहते हैं सूक्ष्मदर्शी यंत्र। बहुत अच्छा बच्चों, अब देखो बच्चों माइक्रोस्कोप में लेंस लगे होते हैं, तुम सभी ने देखा होगा तुम्हारे घरों में दादी दादाजी चश्मा पहनते हैं। जी दीदी। हाँ, तो उसमें कांच लगे होते हैं बच्चों, इसी तरह से इसमें भी कांच लगे होते हैं। दीदी हाँ, जो कि छोटी सी चीज को खूब बड़ा करके दिखाते हैं। हाँ दीदी, चश्मे में भी यही होता है। यही होता है ताकि जिसकी नजरें कमजोर है वो पढ़ भी लेते हैं। जी दीदी। तो बच्चों ये माइक्रोस्कोप गैलीलियो ने इसका आविष्कार किया था, और इसमें बच्चों पता है पानी की एक बूंद बहुत बड़े बुलबुले की तरह नजर आती है। अच्छा दीदी। हाँ, और बच्चों माइक्रोस्कोप में क्या होता है, डॉक्टर लोग इससे छानबीन करने के बाद यह पता कर लेते हैं कि कीटाणुओं की मात्रा हमारे शरीर में कितनी है, और यदि ज्यादा होती है तो हम तेज दवाइयां खाते हैं, और यदि कम होती है तो कम थोड़ी दवाइयां खाकर ही हम स्वस्थ हो जाते हैं। तो ये है ना बच्चों अच्छा यंत्र। अब बच्चों देखो, हम इसी इस युग में इतनी तेज रफ्तार से दौड़ते हुए समय में हमने इतने सारे यंत्रों का आविष्कार किया, तभी तो यह संभव है कि शरीर हमारे शरीर स्वस्थ रह सकता है, क्योंकि हम इलाज करवाते हैं और हम स्वस्थ हो जाते हैं। अब बच्चों एक नया आविष्कार जो कि आज के युग में बहुत अधिक प्रचलित है, ये है एक्सरे मशीन। हाँ बच्चों देखो एक्सरे मशीन, और इसका मैं तुम्हें एक चित्र दिखाती हूँ जिसमें तुम ये जान पाओगे कि एक्सरे मशीन में। अरे दीदी इसको हाँ। तो मैंने अपनी पुस्तक में पढ़ा, हमारी विज्ञान की टीचर ने भी दिखा रखा हाँ। है। यह है बच्चों एक्सरे मशीन। अब बच्चों यह बताओ, यदि तुम साधारण कैमरे से चित्र खींचते हो तो कैसी चित्र आता है बताओ? उसमें तो सिर्फ बाहर का आता है। तुम्हारा मुंह कैसा दिख रहा है, तुम्हारे बाल कैसे हैं, तुमने किस तरह के वस्त्र पहने, यही तो दिखता है। क्या शरीर के अंदर के अंगों की फोटो आती है? नहीं आती है। परंतु बच्चों इस एक्सरे मशीन में यह भी संभव है। अब बच्चों देखो एक्सरे मशीन का नाम कैसे पड़ा? एक्सरे मशीन का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इस मशीन से एक्स नामक रेज यानी कि किरणें निकलती है। उनका काम क्या होता है बच्चों? वह जब शरीर के आर पार निकलती हैं तो वह हमारे शरीर के अंदर के अंगों का चित्र खींच लेती हैं। मैं तुम्हारे लिए एक ये चित्र लाई हूँ जो कि जिससे तुम देख सकते हो कि यह चित्र किस तरह से दिखा रहा है कि हमारी तो शरीर के अंदर पैर की हड्डी का है। हाँ, पैर की हड्डियां किस प्रकार की हैं? तो बच्चों देख रहे हो ना, इस यंत्र से यह संभव हो सका कि हम शरीर के अंदर की हड्डियों या अंदरूनी भागों को देख सकते हैं। तो बच्चों डॉक्टर इसी तरह से उसके बाद इलाज करते हैं, तो इलाज हमारे लिए जल्दी संभव हो जाता है और हम लोग स्वस्थ हो जाते हैं। तो बच्चों इसमें जिस तरह से माइक्रोस्कोप में हम अपने थूक या खून आदि का अच्छी तरह से आदि की जांच करवा सकते हैं, उसी प्रकार से बच्चों एक्सरे मशीन से हमारे लिए या डॉक्टर के लिए क्या संभव है? बिना तोड़फोड़ किए, बिना चीरफाड़ किए वह यह जान सकते हैं कि अंदर क्या बीमारी है, और जल्दी से जल्दी इलाज भी संभव है। अब तुम समझे ना। अब इसी तरह से बच्चों आज के युग में एक नया यंत्र जिसे हम कहते हैं रक्तचाप नापने की मशीन, ये होती है रक्तचाप नापने की मशीन। तो बच्चों इसको हम अपनी बाहों में लगा कर, आप तो बहुत छोटे हैं ना अभी बच्चों, ये आप थोड़ी बड़ी उम्र पर जब ये समस्या आती है तो इससे रक्तचाप भी नापा जाता है। तो इस तरह से बच्चों मैं तुम्हें यह बताना चाह रही थी, इसमें भी पारा होता है दीदी। इसमें पारा होता है बच्चों, लेकिन एक निशान बना होता है जिससे आप रक्तचाप नाप सकते हैं। तो बच्चों ये है आजकल के युग की बढ़ती विकसित हमारे विकसित होते हुए नए नए सामने आने वाले नए नए यंत्र जिससे कि बच्चों शहरों में नए नए इलाज संभव हो सके। तो अब तुम समझ गए ना कि शहर और गांव के इलाजों में क्या अंतर है? जी दीदी, अब मैं समझी कि लोग गांव से शहर क्यों जाते हैं, क्योंकि शहर में इतने अच्छे बड़े बड़े यंत्र हैं जो हमें अच्छे से स्वस्थ कर देते हैं और जल्द। बिल्कुल ठीक। और बच्चों भारत में अब गाँव में ये विकास धीरे धीरे हो रहा है, परंतु आज यह संभव हो सका है सिर्फ इन बड़े बड़े आविष्कारों के कारण कि हम इतनी जल्दी इलाज कराते हैं और जल्दी से ठीक हो जाते हैं। अब मैं यदि तुमसे कहूं कि इन पर निबंध लिखो तो तुम लोग लिख सकोगे ना? जी दीदी। तुम सभी यंत्रों के विषय पर तुम निबंध लिखोगे अच्छा सा, और अपने सभी साथियों को बताओगे इनके विषय में। दीदी मैं ये बात गोलू को भी बता दूंगी। बिल्कुल बच्चों, और आज बच्चों यह हमारे लिए संभव किस कारण से हो सका है यह भी लिखोगे, और तुम यह भी अपने दोस्तों को बताओगे कि आने वाले समय में हम क्या चाहते हैं कि हमारे गांव-गांव में गलियों गलियों में हमारे बड़े बड़े अस्पताल हो और खूब अच्छे सभी जगह ये सब यंत्र हो, ताकि हर इंसान को यह हमारे लिए इसका इससे इलाज करना हमारे सभी डॉक्टरों के लिए संभव हो सके। तभी तो होगा एक भारत, एक महान भारत का हमारे विकास हो सकेगा। हमारे इस भारत का विकास, भारत देश का विकास कैसे हो सकेगा जब हमारे देश में स्वस्थ लोग होंगे। सही, ठीक है बच्चों, तो अब तुम इस पर निबंध लिखना और मैं चलती हूँ। ठीक है।